देश भर में अलर्ट जारी। आजमगढ़ का नाम हो सकता है आर्यमगढ़, सीएम योगी ने जनसभा में दिए संकेत। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, लखनऊ में 95 तो देश भर में आए 443 नए केस। जम्मू कश्मीर में भाग रहे आतंकी, सेना ने सिर्फ 18 घंटों में मार गिराए 7 आतंकी, कहा अब हम रुकने वाले नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्फ्रेंस आज, मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार, डीवी भारती समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। और उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है जहां अवैध शराब बनाए जाने की सूचना पर एसडीएम अलीगंज मानवेंद्र सिंह, सीओ अलीगंज राजकुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ गांव टपुआ पहुंचकर दी दबिश। 25 लीटर अवैध देशी शराब, 200 लीटर देशी शराब बनाने वाले लहन 25 लीटर अवैध देसी शराब, 200 लीटर देसी शराब बनाने वाला लहन, एक देसी शराब बनाने की भट्टी और शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। काफी मात्रा में लहन को मौके पर ही कराया गया नष्ट तथा उक्त शराब बनाने वाला अभियुक्त उपेंद्र यादव पुत्र महिपाल सिंह निवासी टपुआ थाना अलीगंज मौके से हुआ फरार। थाना अलीगंज के गांव टपुआ का मामला। अग्निपथ योजना का विरोध का सिलसिला जारी है। शनिवार को नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के नजदीक मंदिर पर सैकड़ों लड़के पहुंचे। यहां एकत्रित होने के बाद जुलूस की शक्ल में हाईवे पर पहुंच गए। वहां पुलिस अलर्ट होने के बाद एक बार इनको रोक लिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद युवाओं की टोली फिर से सड़क जाम करने पर आमादा हो गई। कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी गई, इस कारण पुलिस के हाथ पैर फूल गए। सीओ मीरगंज राजकुमार मिश्रा के समझाने के बाद भी यह लड़के नहीं माने, बल्कि इस बात पर अड़ गए कि एसडीएम को बुलवाया जाए। इसके करीब 15 मिनट बाद एसडीएम पहुंचे, फिर उन्होंने ज्ञापन लिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अग्निपथ योजना को लागू किया है, उसको वापस लिया जाए। देश के नौजवान इस पर आश्रित थे, बहुत सारे नौजवान ने आत्महत्या कर ली। सभी कुछ प्राइवेट कर दीजिए, लेकिन सेना भर्ती को मत कीजिए, क्योंकि भारत के 75% नौजवान इसी पर आश्रित थे। कौन अपने बच्चे को 4 साल के लिए गोली खाने के लिए बॉर्डर पर भेजेगा? माता पिता अपने बच्चे से उम्मीद रखे हुए हैं। अगर उन बच्चों की उम्मीद पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? अगर अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन आपके जितने भी संसद विधायक हैं उन लोगों को कार्यकाल भी घटाकर 1 साल कर दिया जाए और पेंशन को भी रद्द किया जाए। आपने तो सरकारी संपत्ति का निजीकरण कर लिया। देश में आज तक किसी उद्योगपति राजनेता के बच्चे सेना में नहीं गया है। सेना में कौन जाता? मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं। हम भारत के नौजवान मांग करते हैं कि अग्निपथ योजना वापस लें और पुराने नियम से फिर शुरुआत की जाए। इस दौरान थाना प्रभारी संजय सिंह के अलावा मीरगंज व शाही थाने के पुलिस के अलावा पीएसी भी मुस्तैद रही। उनका ये कहना था कि 4 साल के बाद जो युवा हैं उनका भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा और फिर से वो बेरोजगार हो जाएंगे, और एक तरीके से उन्होंने सांकेतिक इस योजना के प्रति सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जाहिर किया था। क्या आशा है इसमें? देखिए, उनका जो ज्ञापन है उसको ऊपर भिजवा दिया जाएगा और ये ऊपर स्तर का प्रकरण है, जिसमें भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी उसी के स्तर से कोई कार्रवाई संभव है। ज्ञापन देते समय उनको कहना था कि 3 दिन के अंदर कुछ अल्टीमेटम वगैरह दिया, उन्होंने 3 दिन का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जनपद मैनपुरी के श्रीदेवी मेला नुमाइशी पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने विवाह समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करते हुए किया। तो वहीं शादी के बंधन में बंधे 106 जोड़ों को उपहार भेंट करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह के समापन के दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए।
उन्होंने कहा कि गरीब और असहाय परिवार के शादी योग्य बेटी और बेटा का जुम्मा उन्होंने कहा कि गरीब और असहाय परिवार के शादी योग्य बेटी और बेटे का जुम्मा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। यह जिम्मेदारी सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से किया जा रहा है। और क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की सरकार तीनों का सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत अंतिम छोर के वो व्यक्ति जिनको जिनके चेहरे पर मुस्कान देने का काम, उनके चेहरे पर विकास देने का काम, अंतिम छोर के व्यक्ति को न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उसी के तहत पूरे प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से गरीब कन्याओं के हाथ पीला करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उसके साक्षी भव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, कितनी सी आधार पर आज मैनपुरी की धरती पर 107 के अलावा या 106 निर्देशक 14 पंजीकृत हैं, उसमें से कुछ आने पुए आ रहे हैं, लेकिन 107 जोड़े यहाँ आज वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। उनको मेरी ओर से बधाई, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बधाई। उनको न सिर्फ वैवाहिक जीवन की शुरुआत कराई जाएगी बल्कि मूलभूत जो जरूरतें हैं उसके लिए गैस का कनेक्शन और चंद छोटी छोटी धनक भी आप देख रहे थे उसको भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण जंतु उद्यान तथा जलवायु परिवर्तन स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बरहाइच के मोतीपुर वन विश्राम गृह का निरीक्षण किया। वन मंत्री ने पिछले दिनों वन्य जीवों के हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मानव वन्य जीव संघर्ष को हृदय विदारक बताते हुए इसे रोके जाने के लिए वृहद कार्य योजना बनाकर हर संभव उपाय किए जाने की बात कही। पत्रकारों के साथ चर्चा के दौरान वन मंत्री ने बताया कि मानव और वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए जंगल के चारों तरफ सोलर तार फेंसिंग कराई जाएगी। जंगल के समीपवर्ती गांव में प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाए जाएंगे। जंगल के चारों तरफ जंगली जानवरों के मूवमेंट वाले क्षेत्र में सोलर फॉग लाइट लगाई जाएंगी जो वन्य जीवों के मूवमेंट के दौरान स्वतः जलेंगे और बुझेंगे, जिससे जानवर पुनः जंगल की तरफ भाग जाएंगे। वन मंत्री ने करतनिया घाट का भी दौरा किया। इस दौरान वन मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी शुभम कुमार, एफडी संजय पाठक, एपीसीसीएफ प्रोजेक्ट टाइगर कमलेश कुमार सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। उनके घर में शौचालय हो, उनको इलाज की सुविधा हो और उनके पास जमीन भी कुछ हो ताकि वो अपनी खेती कर सकें। आपने हमें बहुत अच्छा किया जो बताया, आप उनके बारे में लिखे। बरेली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा प्रतिशोध की भावना से छापे के विरोध में महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया, भाजपा सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निराधार एवं मनगढ़ंत नेशनल हेराल्ड मामले में तलब किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा बिना किसी सबूत और तथ्यों के व्यक्तिगत बदला लेने और राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा तथा पार्टी मुख्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से मारपीट कर रही है और बिना कोई कारण बताए उन्हें अलग अलग दुराचार और बिना कोई कारण बताए उन्हें अलग अलग दूर दराज के पुलिस स्टेशनों में और बिना कोई कारण बताए उन्हें अलग अलग दूर दराज के पुलिस थानों में बंद कर रही है। सबको चौंकाने वाली बात यह है कि 15 जून 2022 को पुलिस ने जबरन ईआईसीसी मुख्यालय में प्रवेश किया और परिसर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को बेरहमी से पीटा तथा वहां उपस्थित मीडिया के साथ बदसलूकी तथा मारपीट का प्रयास किया गया। सच्चाई की इस लड़ाई को दबाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और एकजुटता को कुचलने के लिए केंद्र सरकार क्रूरता के साथ पुलिस बल का प्रयोग कर रही है। न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लड़ेगा
तथा पुलिसिया कार्यवाही AICC मुख्यालय में मारपीट का हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करते हैं। प्रदर्शन के दौरान योगेश जौहरी, असलम चौधरी, उमेश आर्य, मुजाहिद हसन, मोहम्मद नदीम, अब्दुल रहमान, हाजी सुल्तान खा, रईस आलम, राजेंद्र सागर, वीरेंद्र सुरेंद्र सोनकर, फरियाद खान आदि मौजूद रहे। देखिए, ये एक तरीके की प्रताड़ना है, ये भाजपा का एक हथियार है, उसके तौर पर इसको इस्तेमाल करके ये चाहते हैं कि सारी पार्टियां, जिसमें राहुल गांधी जी भी जो है वो खामोश होकर बैठ जाएं, लेकिन राहुल गांधी जी बहुत हिम्मत वाले हैं, छाप छवि के हैं, वो कभी खामोश होकर नहीं बैठेंगे, आखिरी दम तक जो है वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता के हकों की लड़ाई लड़ेंगे वो। शुक्रिया। आज महानगर कांग्रेस बरेली की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारे भूतपूर्व हमारे राहुल जी को जिस तरीके से ED परेशान कर रही है, ये पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में कि लगातार उनके उनको उनपे जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। कांग्रेस का एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता सड़क पे आ चुका है, और ये भाजपा की जो नीति है, ये महंगाई से हटाना चाह रहे हैं, ये उद्योग धंधे बंद हो से हटाना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जाए। मगर ये आज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो BJP कर रही है, ये उनकी आखिरी ताबूत में कील होगी, और सत्ता से हटने के लिए तैयार रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनाएगी, और हम लोग हर तरीके से प्रयत्न करने के लिए तैयार हैं। पूरी भाजपा में, भाजपा सरकार में राहुल गांधी का खौफ चल रहा है, और ये मालूम है भाजपा को कि जब भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये नेक्स्ट प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। इसलिए विपक्ष की आवाज़ को, आमजन की आवाज़ को, आमजन की भावनाओं को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए कर रही है। जिस तरह ED के छापे लगातार पड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, लगातार 3 दिन पूछताछ के बाद भी कोई उनके पास सवाल नहीं है, कोई उनके पास इस तरह की जगह नहीं है जहां पर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकें। कि इस देश में सबसे ईमानदार, होनहार, योग्य व्यक्ति अगर कोई नेता है तो राहुल गांधी हैं, यही खौफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में पैदा हो गया है, इसीलिए उन्हें कुचलना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में प्रदेश भर में अतिक्रमण पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में जनपद मुख्यालय पर आज चौथे चरण में सिद्धांत तिराहे से स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाया गया। सदर SDM प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के नेतृत्व में 2 बुलडोजरों के साथ सुबह से अभियान प्रारंभ हुआ। सुरक्षा व्यवस्था क्षेत्र अधिकारी सदर व सदर कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी रही। सुरक्षा व्यवस्था क्षेत्र अधिकारी सदर व सदर कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी रही। मीडिया से बात करते हुए सदर उप जिलाधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में ये कार्य चलाया जा रहा है। इस अभियान से नगर की सड़कें चौड़ी होंगी, साथ ही हम नगर सुंदरीकरण पर भी कार्य कर रहे। अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित कर लोगों को बताया जा रहा है कि लोगों का भरोसा, सहयोग व संवाद मिल रहा है, और जहां समय से अतिक्रमण स्वयं भू स्वामियों द्वारा नहीं हटाया जा रहा, वहां थोड़ी सख्ती भी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में यातायात को सुगम बनाने के लिए और शहरों से अनावश्यक अतिक्रमण हटाने के लिए ये ड्राइव चल रही है। आप जैसा देख रहे होंगे, सिद्धार्थनगर में भी लगातार चल रही थी, पहले मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा किया गया, और उसके बाद हम लोग अपनी ज़मीन को क्लेम कर रहे हैं। तो उसके क्रम में जो अनावश्यक अतिक्रमण बढ़ लिया गया है, उनसे लोगों से वार्ता करके और उनको स्वतः प्रेरित करके और जहां आवश्यक है वहां पे मशीन वगैरह लगा करके हटवा रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो है CO साहब हैं, सदर साहब, सारे सुरक्षाकर्मी हैं, नगर पालिका सिद्धार्थनगर की पूरी टीम है, और आज ये स्टेशन रोड पर हम लोग जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सारे व्यापारी बंधुओं का और जो आम जनमानस है उनका सहयोग मिला है। हम मेरे आने से पहले, चूँकि पहले इनको सूचित कर दिया गया था, लोगों ने अपना जो है स्वतः हटा लिया, सब लोग आगे आ रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, और ये बहुत ही संवाद के क्रम में और बहुत ही सामंजस्य के साथ जो है कार्रवाई की जा रही है। लोगों को कम से कम नुकसान किए हुए और शांति व्यवस्था का कोई जो है प्रश्न उठाए हुए आराम से कार्रवाई चल रही है। आगे हमारा ड्राइव ये चलता रहेगा, और भी मार्ग चिन्हित हो रहे हैं और उनको नोटिस दिया जा रहा है, और नोटिस होने के बाद उनको समय दिया जा रहा है, और उसके बाद ड्यू कार्रवाई की जा रही है। 15 दिन से ऊपर हो गए अतिक्रमण हटाते हुए, कुछ जगह पे अभी अतिक्रमण बचे हुए, उसके बाद
अक्कमल चिन्हित हो रहे हैं, चिन्हित होने के बाद उनको नोटिस दी जा रही है और लगातार दो तीन दिन पे इंसेसेंट जो है अभियान चलाया जा रहा है। नहीं, दो चीज़ें हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमको कहाँ पे जो यातायात सुगम बनाने के लिए क्या कार्रवाई अपेक्षित है उतनी की जा रही है। जैसे जहाँ पे NH है या जहाँ पे स्टेट हाईवेज हैं वहाँ पे जिन लोगों ने हमारी हाईवे की ज़मीन को क्लेम कर लिया है या NH की ज़मीन को क्लेम कर लिया है उनको भी हम लोग हटाने का संवाद के क्रम में प्रयास कर रहे हैं। लोगों से खुद ही आगे आने की अपील कर रहे हैं कि वो स्वतः हटा लें और जहाँ पे लोग नहीं सुन रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सख्ती भी की जा रही है और ये कार्यक्रम चल रहा है लोगों के सहयोग से। और जनपद मैनपुरी में भी सेना की नई भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ योजना के विरुद्ध कुछ छात्रों द्वारा घिरोर बाईपास रोड बस स्टैंड पर किए गए पथराव एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखा। तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों व पथराव करने वालों को खदेड़ा। आपको बता दें आज घिरोर बाईपास पर कुछ युवकों द्वारा एक रोडवेज बस पर पथराव किया गया। चालक ने सूझबूझ दिखाई और आगे जाकर बस को रोककर 112 को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। बताते चले कि अग्निपथ विरोध की आज मैनपुरी जनपद में भी पहुंच गई है। क्या हुआ, कोई चोटल भी है? चोटल नहीं है, कोई एसी का पता है। ये स्टूडेंट कोई किसी के कोई चोट वगैरह तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ है। तो ये घिरोर बाईपास की घटना है। ये क्या कारण रहा है सर? घिरोर बाईपास पे एक रोडवेज बस जा रही थी कि अचानक कुछ लड़के आए और दूर से उन्होंने पत्थर फेंका, उसका एक शीशा टूट गया। ड्राइवर जाकर के आगे जाकर के उसके द्वारा बताया गया। इस संबंध में तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है। ड्राइवर के तहरीर पे FIR लॉन्च किया जा रहा है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आप सबके माध्यम से ये अपील भी है कि अगर कोई बात किसी को कुछ कहनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें। अगर तोड़फोड़ की कार्रवाई करेंगे तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारी ड्यूटियां पूरे जनपद में लगी हुई हैं, चाक चौबंद व्यवस्था में है और लगातार पुलिस भ्रमणशील है जिससे कि कोई किसी तरह का उपद्रव न हो सके। बरेली आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए और योजना को निरस्त करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। मांग की कि भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से देश की जनता आक्रोश में है। मात्र 4 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती वास्तव में सैन्य भर्ती न होकर एक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर होकर रह जाएगी, क्योंकि 4 साल तक सेना में रहने के बाद युवा या तो किसी प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करेगा या बेरोजगार की मार से आत्महत्या करने को मजबूर होगा। सेना भर्ती की तैयारी के लिए बहुत से सैनिक 4 साल तैयारी करने में लगा देती हैं। ऐसे में लगता है जैसे सरकार ने यह कदम जानबूझकर देश के युवाओं के भविष्य को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने के लिए उठाया है। सरकार जानबूझकर इन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। इस वजह से सभी देशभक्तों की भावनाओं को चोट पहुंची है। हमारी सेना भारत की शान है, जो भारत के हर व्यक्ति के लिए गर्व है। ऐसे में सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सेना के साथ खिलवाड़ करना पूरी तरह से देश के खिलाफ काम करना है। 4 वर्ष सरकार का यह तर्क भारतीय सेना और सैनिकों दोनों के साथ विश्वासघात करता है। इस 4 वर्ष की अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी आज ज्ञापन दे रही है और उसमें जो है मैं पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी की अपनी विधानसभा की प्रभारी हूँ। तो ये जो अग्निपथ योजना सरकार ने बनाई है, ऐसा लग रहा है कि सरकार देश के युवाओं के साथ मजाक खेल रही है, क्योंकि 4 साल के लिए भर्ती करना फिर 4 साल बाद उनको रिटायरमेंट का लेटर थमा देना शायद विश्व में ये अपने आप में एक पहली सरकार द्वारा लाया हुआ कानून है। पूरे विश्व को के देशों को उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी इस तरह से कोई योजना नहीं बनाई जाती। क्या देश की सुरक्षा के लिए एक सैनिक को तैयार किया जाता है सिर्फ 4 साल के लिए? एक उसके बाद फिर आइए दूसरे लोग आए, वो 4 साल इंजॉय करें, सेना में काम करें, मतलब जैसे सेना ना हो गई, एक एंजॉयमेंट का प्लेटफॉर्म सरकार तैयार कर रही है कि आइए 4 साल काम करिए, फिर आप दूसरे आइए 4 साल काम करिए। तो ये देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र राणा है, मैं आम आदमी पार्टी के जिला बरेली के जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो भारत सरकार की एक नई नीति आई है अग्निवीर योजना, जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा।
आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और इसे वापस लेने की मांग करती है। आज हम सभी पूरे प्रदेश में हर जिला कार्यालय पर ये ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे आज बरेली में हम हुए हैं, ऐसे सभी जनपदों में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये ना ही युवाओं के हित में है, ना ही योजना देश हित में है। देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा आगे खतरा मंडराने वाला है। युवाओं की शिक्षा के साथ वो इस लालच में आकर के 17.5 साल, 18 साल में सेना में जाने की ललक में हो जाएंगे और उनका फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा। वो 24 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे। ना ही वो यही पढ़ाई की समय होता है, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने का समय होता है, वो भटक करके और इंटरमीडिएट करके सेना में चले जाएंगे और उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार की नीति है कि इन लोगों को उलझा करके केवल इनके लिए आगे सुरक्षा जो हमें देनी है कुछ चंद लोगों की इंडस्ट्रियों के लिए और उनके लिए, तो ये सिर्फ सुरक्षा गार्ड तैयार किए जा रहे हैं, ना कि सेना। सेना की बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी अगर ये नीति आगे चालू रही तो। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि इसको तुरंत वापस किया जाए। सेना की जिस तरीके से भर्तियां चल रही थी, जो भी कार्यक्रम सेना के होते हैं, जिस क्रम में सेना की नौकरी चलती है उसी क्रम में चले और आगे भी चलती रहे। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।